दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच जारी तनातनी खत्म नहीं हो रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और एलजी पर जमकर हमला बोला। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्र सरकार ने असंवैधानिक तरीके से दिल्ली सरकार की सर्विसेज पर कब्जा कर लिया है, प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट पर इन्होंने कब्जा किया है और प्रिंसिपल की नियुक्ति में इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में अपने प्रिंसिपल होते, लेकिन इससे आज हमें वाइस प्रिंसिपल से काम चलाना पड़ रहा है।